हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। इसे कुछ क्षेत्रों में हरितालिका तीज के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन खास तौर पर लड़कियों और महिलाओं के लिए होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं भी इस दिन तैयार होकर खूब पकवान आदि खाती हैं और अपने खुशनुमा जीवन की कामना करती हैं। कई जगहों पर हरियाली तीज के दिन मायके से सिंधारा या सिजारा भेजा जाता है, जो कि हर शादीशुदा लड़की के लिए काफी अहम होता है। क्या है हरियाली तीज 2022 की डेट? आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज मनाई जाती है, जो कि इस साल 31 जुलाई 2022 को सुबह 6:30 पर शुरू होगी। ऐसे में जो महिलाएं इस दिन व्रत करती हैं, उनके लिए पूजा का शुभ समय सुबह 6:30 से लेकर 8:33 तक है। मायके से आता है सिंधारा सिजारा। हरियाली तीज पर शादीशुदा महिलाओं को मायके की ओर से सिंधारा भेजा जाता है, जिसमें सुहाग का सामान कपड़े और मिठाइयां होते हैं। अगर आप भी अपनी बेटी या बहन के घर में सिंधारा भेज रहे हैं तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। बेटी के घर सिंधारा भेजते समय ध्यान रखें कि सिंधारा सावन महीने में ही भेजा जाता है। कई बार लोग व्यवस्था के कारण बाद में जब बेटी से मिलते हैं तभी उसे सिंधारा दे देते हैं, जो कि धर्मशास्त्र के अनुसार गलत है, क्योंकि सिंधारे का मतलब बेटी या बहन को आशीर्वाद देना होता है। इसके जरिए मायके वाले बेटी को उसके ससुराल में खुश रहने और अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद भेजते हैं। वैसे तो हरियाली तीज से कुछ दिन पहले ही सिंधारा भेज दिया जाता है, लेकिन यदि संभव नहीं हो पा रहा है तो रक्षाबंधन के दिन भी जब बेटी घर आए तब उसके साथ ही सिंधारा भेजना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि कुछ भी करने से पहले आप एक बार अपने पंडित जी या किसी ज्योतिष आचार्य की सलाह जरूर ले लें। साथ ही ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल धर्म गुरु को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।